वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सुपमा स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं दोस्तों आप? आई होप बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो हो रही है आपकी लास्ट वीडियो है। थोड़ा बड़ा टॉपिक था मानव नेत्र, तो इसलिए मैंने इसे सबसे लास्ट में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पूर्ण रूप से आज के बाद जितने भी डाउट होंगे आपके, क्योंकि ये ट्वेल्थ में भी है, ये सिलेबस में जो गवर्नमेंट जॉब SSC वगैरह में भी इसमें से भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आज के बाद आपका मानव नेत्र के जितने भी डाउट है आज के बाद खत्म हो जाएंगे। ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। पहली पार्ट में मैं आपको बाह्य नेत्र पढ़ाऊंगा, दूसरे भाग में मैं आपको आंतरिक नेत्र पढ़ाऊंगा। तो आज आप ही वीडियो में बन जाइए, एक अपनी कॉपी पेन उठाकर बैठेगा, साथ साथ मेरे राइट डाउन करते चलेगा। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा वीडियो का थंबनेल भी, मानव नेत्र हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो मानव नेत्र का काम क्या होता है? देखने का काम करती हैं आंखें हमारी। तो देखेंगे वो कैसे देखती हैं, वो हम जो है आंतरिक नेत्र में पढ़ेंगे, जहां पर हम पूर्ण आपको बताएंगे कि कैसे मानव देखता है। तो चलिए वीडियो में बिल्कुल टाइम खराब नहीं करते और चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बाह्य नेत्र, जो कि सबसे पहले अगर आपके व्यास की बात करूं तो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब समझ लीजिएगा, इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये गोला होता है तो इस गोले के एक छोर से दूसरे छोर की जो दूरी होती है उसे हम व्यास कहते हैं। तो इसका जो व्यास होता है वो होता है 2.3 सेमी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर मानव नेत्र के अंदर छह पेशियां होती हैं। ये आप नीट लेवल में पढ़ते हैं, तो यहां पर इसकी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। तो बाह्य नेत्र में आप समझेंगे, सबसे पहला भाग जो होता है वो स्केलरा होता है, जिसे हम श्वेत पटल कहते हैं। स्केलरा का मतलब होता है आंख का ये सफेद भाग, जो आप सफेद भाग देखते हैं आंख का, इसको स्केलरा बोलते हैं, यानी श्वेत पटल। ये इसका रंग कैसा होता है? ये सफेद भाग होता है आंख का। कैसा होता है? सफेद भाग। तो दस थिंग्स। उसके बाद आंख के जो अंदर के भाग होते हैं उनको ये सुरक्षा देने का काम करता है, यानी चोट या घाव लगने से बचाता है इस पूर्ण रूप से। जैसे मैंने बताया आंख के अंदर जो भी भाग होंगे आपको चोट लगने से बचाएगा, घाव लगने से बचाएगा। उसके बाद ये संयोजी ऊतक का बना होता है। तो मैंने अभी आपको तीन बात यहां बताई। सबसे पहली बात मैंने बताई कि ये सफेद भाग है, नंबर दो ये चोट लगने से बचाता है, घाव वगैरह इसमें क्या करता है, आंख की सुरक्षा करता है, और तीसरी भाग की कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक का बना होता है। उसके बाद आपका भाग आएगा ये वाला भाग, आप देख रहे होंगे पूर्ण रूप से आंख का जो ये वाला भाग है इसको परितारिका बोलते हैं, आयरिस। ये सिरो, तो ये आयरिस भाग है, ये क्या करता है, प्रकाश को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर प्रकाश मान लीजिए तेजी से आ गया तो ये काम क्या करेगा, ये प्रकाश को कंट्रोल कर लेगा हमारा आयरिस। आयरिस जो होता है, अगर मान लीजिए तेज प्रकाश आ गया तो तेज प्रकाश में ये सुकड़ जाता है और कम प्रकाश में ये फैल जाता है। अभी क्या है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, तो कब सुकड़ेगा और कब फैलेगा, तो आप देख लीजिएगा। जब भीड़ में आपको लोग, मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया और एक बहुत सारे लोग आपके साथ आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अधिक लोग आपके साथ आ रहे हैं, तो आपको आपकी भलाई किसमें है, कि आपकी भलाई भैया हाथ जोड़ने में ही है, माफी मांगने में ही है, तो आप क्या है, सुकड़ जाएंगे ज्यादा लोगों को देखकर। यस या नो? तो ठीक उसी प्रकार से जो आयरिस है वो अधिक प्रकाश देखकर सुकड़ जाता है। और मान लीजिए आपका झगड़ा हो गया, कोई एक ही बंदा उधर से आ रहा है, एक ही आप जाए, तो आप तनकर ऐसे खड़े हो जाएंगे कि आ जाए, दो दो हाथ हो जाए इसी बात पे। यस या नो? तो आप भी फैल जाएंगे, कम लोगों को देखकर क्या है, फैल जाएंगे, और अधिक लोगों को क्या देखकर, सुकड़ जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से आयरिस जो है वो कम प्रकाश में क्या करता है, फैल जाता है। ये तीन प्रकार का हो सकता है, तीन प्रकार का नहीं, माफी चाहूंगा, इसके तीन रंग हो सकते हैं, जैसे ब्लू नीला हो सकता है, बड़े खूबसूरत लगते हैं उन लोगों की आंखें जिनकी आंखें हल्की सी नीली होती हैं, जैसे आप देखते हैं ऐश्वर्या राय को, तो ये ब्लू रंग का हो सकता है, ब्लैक का नॉर्मली होता है, ब्राउन का भी नॉर्मली होता है। और आपको एक बात और बता दूं, ये जो आधार कार्ड होता है, जब आप आधार कार्ड बनवाने गए होंगे आधार कार्ड शॉप पर, तो वहां पर आपने देखा होगा आधार कार्ड में आपकी आंखों को स्कैनिंग किया जाता है, स्कैन की जाती है, उसमें आपके आंख का यही आयरिस भाग क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। आजकल बहुत बहुत स्टेटों में अलग अलग चल रहा है। पहले क्या था, पहले जमाने में आपकी जो स्कैनिंग होती थी वो थंब से होती थी। ये चलो अब कहां से हो रही है, अब आपके आयरिस से हो रही है। एक समय आएगा कि DNA से भी हो सकती है आपकी स्कैनिंग, तो हो भी रही है, और कुछ स्टोर में हैदराबाद वगैरह में ऐसा चलता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं पूरा आयरिस के, आपका आई होप डाउट पूर्ण रूप से क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद ये सबसे अंदर का भाग है। ये चलो
जिसे आप बोलते हैं पुतली, ये वही पुतली है जब आप बचपन में कहते थे कि एक रैपट लग गया तो पुतली बदल जाएगा। यस यू नो, ये वही पुतली है। ये आंख का सी सबसे इस आयरिस के अंदर एक छोटा सा भाग होता है गोल सा, ये है असल में यही क्या करता है, फोकस करता है चीजों को, इसी की वजह से हम देख पा रहे हैं। तो ये होता है प्यूपिल। असल में इसका काम क्या होता है, इसका भी सेम वही काम है, अधिक प्रकाश में ये भी क्या होगा सुकड़ जाएगा और कम प्रकाश में फैल जाएगा। इसका एक काम और होता है जो आंतरिक आंख में मैं आपको बताऊंगा पूर्ण रूप से, कि ये प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराता है, जो लाइट आ रही है उसको प्रवेश करा देगा, किसमें, लेंस में प्रवेश कराने का काम करता है पूर्ण रूप से। उसी के बाद होता है कॉर्निया। कॉर्निया देखिए बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आजकल कॉर्निया क्या है कि आंख के ऊपर एक परत होती है पतली बारीक सी, जैसे आप फोन पर टेम्पर चढ़वा लेते हैं, टेम्पर की ही तरह हमारी आंख पर भी एक लेयर होती है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं। ये लाइक के फोन टेम्पर की तरह होती है। अगर आप नेत्रदान का काम करते हैं तो नेत्रदान में आपकी पूरी आंख नहीं निकाली जाती है, बल्कि आपको जो भाग निकाला जाता है वो नेत्रदान में कॉर्निया आप क्या कर देते हैं, अपनी डोनेट कर देते हैं। उसी प्रकार से आंख प्रकाश को आंख में प्रवेश यही कराता है कॉर्निया, यानी सबसे आगे इस आंख के ऊपर जो कवर होगा उसी को क्या कहेंगे हम, कॉर्निया कहेंगे। और यही क्या करता है, प्रकाश को पूरी नेत्र में प्रवेश कराता है। आप पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे। उसके पश्चात मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर आंख पे कोई पंछी गिर गया आपकी आंख में, कोई छोटी मोटी चोट लग गई, तो यहाँ पर क्या होता है आपकी आंख में लालीपन आ जाता है, जिसे कॉन्जिटिवा बोलते हैं, कॉन्जिटिवा। इसमें क्या होता है आंख आपकी लाल हो जाती है, कुछ दिन बाद सही हो जाती है। कुछ बीमारी भी होती है अक्सर जिन लोगों की आंखें लाल रहती हैं, कॉन्जिटिवा बीमारी नाम, उन्हें रोग हो जाता है, आंख लाल हो जाती है, इसमें आंख लाल हो जाती है। एक पदार्थ के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, टैपिडम लुसिडम, ये जो पाया जाता है पशुओं में पाया जाता है। पशुओं में इस पदार्थ में क्या होता है, पशुओं की आंख में जिंक भरा होता है, टैपिडम लुसिडम पशुओं की आंख में पड़ा होता है, इसमें जैडन भरा होता है यानी जिंक भरा होता है। यह आंख में चमक उत्पन्न करने का काम करता है। जैसे आपने रात में देखा होगा कि चीता और टाइगर वगैरह में, चीता वगैरह की जो आंखें होती हैं वो क्या होती हैं, रात में क्या करती हैं, जलती हैं, तो उनकी आंख में जो होता है टैपिडम लुसिडम भरा होता है, जिसके कारण उनकी आंखें चमकती हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो मानव होते हैं, मानव में यह नहीं पाया जाता, यानी मानव में क्या होता है, ये अब्सेंट होता है। तो पूर्ण रूप से ये आपको मैंने जो जानकारी दे दी है, पूर्ण रूप से बाह्य आंख की पूरी जानकारी दे दी है, आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप पूर्ण रूप से वीडियो को पॉज कर इससे अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे बाह्य आंतरिक आंख की, एक्सटर्नल मैंने इसमें आपको बता दी है, इंटरनल आंख की हम बात करेंगे इससे अगली वीडियो में, पार्ट नंबर दो में, नहीं तो अपलोडिंग में बहुत दिक्कत पड़ती है, काफ़ी समय लग जाता है अपलोड करने में वीडियो को, तो इसके दो पार्ट मैंने इसीलिए बना दिए। अगली वीडियो में आप पूर्ण रूप से जो देखेंगे वो आंतरिक आँख की संरचना देखेंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।